क्या कारण था 54,000 लोगों की मौत का। पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग भूल जाते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम भी देता हूँ आपको, पूरे 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। दिल्ली गैस चैम्बर में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते मैं पॉडकास्ट शूट नहीं कर पाया बिकॉज मेरी तबीयत काफी खराब थी, खांसी जुकाम से मेरा हालत खराब थी। आप अभी भी बाहर जाइए तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आपकी आंखें जलने लगेंगी, यहां तक कि आपकी चेस्ट में भी पेन होने लगेगा। पर इस पोल्यूशन का रीजन क्या है, ये थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। हर साल तो सरकार दिवाली के ऊपर इसका ब्लेम डाल के और अपना हाथ साफ कर लेती थी, पर इस बार श्री राम ने बोला, भाई ये मेरे फेस्टिवल पे तुमको पोल्यूशन का वो ठीकरा फोड़ना है। तो इस बार कमाल की बात हुई कि दिवाली से 12 से 13 दिन पहले ही दिल्ली के ऊपर स्मॉग की एक मोटी चादर बिछ गई। तो अब इसका रीज़न क्या है, अगर दिवाली इसका रीज़न नहीं है तो फिर इसका रीज़न क्या है। तो अब नंबर आया पराली का, तो भाई पराली जल रही है पंजाब में, हरियाणा में, तो वही रीज़न होगा पॉल्यूशन का। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या पराली हम लोग आज से जलाना शुरू कर रहे हैं। मेरे परदादा, दादा परदादा सब लोग फार्मर्स थे और वो उस टाइम भी पराली जलती थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि पराली से इतना पोल्यूशन होने लग गया। तो इसके पीछे एक्चुअली बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से ये पोल्यूशन हमारे सर के ऊपर आके हर साल बैठ जाता है। फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर दिल्ली की जनता दम घोटू हवा लंग्स में ले जाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये जानेंगे हम लोग इस पूरे एपिसोड में कि इसका पहला रीज़न जो है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है मॉन्सेंटो मेज। शायद आपने नाम ना सुना हो। तो USAID करके एक फ्रंट है USMNCs का, जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करता है और अलग अलग कंट्रीज में। तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया कि आप राइस मत उगाइए, क्योंकि राइस जो है बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करता है, आप मॉन्सेंटो मेज उगाइए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसके लिए एक रिसर्च फैसिलिटी, R&D फैसिलिटी बनाई, और उसमें पता चला कि हाँ जी, राइस तो पानी ज़्यादा यूज़ करता है और पानी की कमी है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने 2009 में एक लॉ पास किया, प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट। इसका नारा था पानी बचाओ पंजाब बचाओ। और जो फार्मर्स जो राइस प्लांट करते थे उसको बैन कर दिया गया टिल जून। अब आप जून के बाद ही आप राइस प्लांट कर सकते हो। तो उससे हुआ क्या, अब जब जून में राइस प्लांट होता है तो जो हार्वेस्ट पहले सितंबर में होती थी वो हार्वेस्ट अब अक्टूबर में होती है। तो पहले सितंबर में हार्वेस्ट होती थी, कटाई होती थी, स्टबल बर्न होता था और हवा के साथ धुआं आगे निकल जाता था। पर लेकिन अब जब पूरा एक महीना डिले हो गया है तो उस वजह से क्या होता है कि विंड पैटर्न चेंज हो जाता है। अब विंड पैटर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हो जाता है, तो उस वजह से अब धुआं पंजाब से आके सीधा दिल्ली के ऊपर बैठ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। सरकार ने अपनी थोड़ी सी, अब मुझे मालूम नहीं किस रीज़न से उन लोगों ने ये सब कुछ डिसीजन लिए, पर उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इस पॉल्यूशन का है स्मॉल पार्टिकल्स, PM2.5, जो कि इस पॉल्यूशन में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। डस्ट पार्टिकल्स, जो कि आप अगर आप चारों तरफ देखें तो आपको हर जगह रेत मिट्टी आपको उड़ती हुई दिखाई देगी। खुले में हमारे देश में आपने देखा, या रोड साइड पे जितनी भी होती है, सब जगह रेत मिट्टी आपको दिखाई देगी। कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो कि हमारे यहाँ कोई नॉर्म्स ऐसे फॉलो नहीं किए जाते इंडिया में कि आप कंस्ट्रक्शन साइट को ढक के रखें या जो मिट्टी है उसको खुले में ना रखें, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और दिवाली, देखिए मैं दिवाली के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं पटाखों के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर बिना पटाखे के हम लोग दिवाली मनाएंगे तो उसमें मज़ा क्या है, पटाखे तो फोड़ने ही। पर आप थोड़े कम पटाखे फोड़ने की कोशिश कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार की सोचिए। कुछ कितने ही लोग जो अस्थमा जिनको होता है या जिनको सांस की प्रॉब्लम्स होती है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस धुएं में। मुझे जो कि एकदम फिट है, मुझको ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार क्या कर सकती है,
देखिए पहले तो सबसे पहले तो हमको ये जो स्टबल बर्निंग है इसको रोकना होगा किसी भी तरीके से, चाहे आप फाइन्स लगाइए या फार्मर्स को आप इंसेंटिव दीजिए कि आप भाई स्टबल बर्निंग मत कीजिए, आपसे स्टबल हम खरीदेंगे, या उनको कुछ एक ऐसा इंसेंटिव दिया जाए कि उस स्टबल बर्निंग कम हो। हैवी फाइन लगाइए, पेनल्टीज लगाइए, जो भी कीजिए, क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं है। हवा सांस लेना एक हमारा मौलिक अधिकार है इंसान का। अगर गवर्नमेंट वो भी इंश्योर नहीं कर सकती कि हम लोग एक साफ हवा सांस ले सकें तो ऐसी गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, जो रोड साइड पार्टिकल्स हैं या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है, आप घास लगाइए जो खुली ज़मीन है जहाँ पे आप या तो घास लगा सकते हैं या फाइन ग्रेवल होता है वो उसके ऊपर डाल दिया जाए ताकि वो हवा के साथ उड़े ना, ये एक तरीका है। दिवाली का मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्लीज़ थोड़े से पटाखे कम जलाइए। आई नो कि वो हमारा रिलीजियस बिलीफ है लेकिन इसका एक हेल्थ का जो एक इशू है उसको भी हमें देखना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आजकल मेरे खुद के बच्चे हैं जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ट्राई कीजिए कि थोड़े से पटाखे कम जलाए जाए, और सरकार को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग विल होना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आई होप कि आप इस बातों पे अमल भी करेंगे और थोड़ा सा पोल्यूशन कम करेंगे। एंड तब तक के लिए देखते रहिए द तरुण शर्मा शो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।